वेलकम टू सोशल। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर द कश्मीर फाइल्स ने आज पूरे नेशन में एक सेंसेशन क्रिएट कर दी है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द फिल्म और हर किसी को इस फिल्म ने काफी इम्पैक्ट किया है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी मेकिंग और बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस क्या रही है। इस वीडियो में हम आपको द कश्मीर फाइल्स से रिलेटेड 10 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? नंबर वन, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द ताशकंद फाइल्स, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने डिसाइड किया कि वो अब इसका सीक्वल बनाएंगे जिसका प्लॉट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पर हुई एट्रोसिटीज पर बेस्ड होगा। इसीलिए विवेक चाहते थे कि वो फिल्म को बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बनाए। उन्होंने अराउंड 2 साल फिल्म के लिए रिसर्च की। वे ही वेंट टू कश्मीर सेवरल टाइम्स एंड टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। इट इज सेड कि विवेक ने मोर देन 750 कश्मीरी पंडित्स की स्टोरी सुनी और इसके बाद ही उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। नंबर टू, द कश्मीर फाइल से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विवेक अग्निहोत्री पहले इसे एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने फुल फ्लेज्ड रिसर्च करना शुरू किया तो ही रियलाइज्ड कि ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना वुड बी मोर सूटेबल, क्योंकि तब इसको ज्यादा ऑडियंस देख पाएगी। इसीलिए उन्होंने फिल्म के कुछ सीन्स बिल्कुल रियल लाइफ इंटरव्यूज को देख कर प्रिपेयर किए थे। हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं, गुलामी कहाँ, मैंने कहा ना पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल उठवाते हैं, ये काम है जी, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते, मार देते। नंबर थ्री, हर फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसकी कास्टिंग। आफ्टर ऑल इट इज द एक्टर्स जिसको ऑडियंस स्क्रीन पर देखती है और उनसे रिलेट करने की कोशिश करती है। विवेक वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कास्टिंग प्रोसेस ऑफ द कश्मीर फाइल्स। वो ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना चाहते थे जो कि स्क्रिप्ट को कम्प्लीटली सरेंडर कर दें। ही वॉन्टेड एक्टर्स जो कि ऑनेस्टी के साथ इस हिस्टोरिक इंसिडेंट को दिखा पाए। इसीलिए उन्होंने सीनियर एक्टर्स जैसे अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पुनीत इस्सार को कास्ट करने का डिसीजन लिया था। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया। नंबर फोर, जहाँ फिल्म की राइटिंग और रिसर्च में काफी टाइम लगा था, उसी तरह फिल्म की शूटिंग में भी पूरी टीम को बहुत डिफिकल्टीज आई। उन्हें कभी सिक्योरिटी इश्यूज आते थे तो कभी लॉजिस्टिकल इश्यूज। द फिल्म वाज सपोज्ड टू बिगिन इन द ईयर 2020, लेकिन पैंडेमिक की वजह से फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी। जब फाइनली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती गॉट सिवियरली इल। उनकी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी मिथुन जी मेड श्योर कि फिल्म और डिले ना हो और उन्होंने डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की कि उनके सीन्स पोस्टपोन ना किए जाए। नंबर फाइव, एज वी सेड अर्लियर कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बहुत कंसर्न थे कि उनकी फिल्म का बेस्ट वर्जन ऑडियंस के सामने जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च करने के अलावा और भी कई चीजों पर ध्यान दिया था। जैसे कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिन पहले तक वो फिल्म को फाइनल एडिट कर रहे थे। जब जब उन्हें लगता था कि फिल्म में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो वो उसी टाइम अपने एडिटर के साथ बैठकर फिल्म में चेंजेस करने लग जाते थे। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? नंबर सिक्स, फिल्म के कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कई कंट्रीज में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इसमें से अमेरिका में भी उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग्स रखी थी, जहां पर उन्होंने कई सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को फिल्म दिखाई थी। विवेक ने खुद रिवील किया कि उन्होंने ये फिल्म कई पॉलिटिकल लीडर्स को भी दिखाई और उन्होंने कहा कि कभी भी उन्हें इस स्टोरी के बारे में पता ही नहीं था। नंबर सेवन, फिल्म इनिशियली ईयर 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन COVID-19 की वजह से ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाया। इस टाइम पर मेकर्स को कई OTT प्लेटफॉर्म से ऑफर आए थे, लेकिन मेकर्स बहुत क्लियर थे कि वो इस फिल्म को सिनेमा हॉल्स में ही रिलीज करेंगे। दे वांटेड द पीपल टू विटनेस द फिल्म ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल। दिस डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज थिएटर ऑडियंस ने इस फिल्म को पसंद किया है। इसीलिए फिल्म ने 3 दिनों के अंदर ही अपना मेकिंग कॉस्ट रिकवर कर लिया है। एक तो हमने फोकस किया था मल्टी एथनिसिटी के ऊपर, तो उसमें हमने बहुत सारे वाइट्स पॉलिसी मेकर्स, मेयर, गवर्नर्स, इस तरह के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया था। प्रायोरिटी वही थे एक्चुअली, क्योंकि फ्री कश्मीर जब कैंपेन हुई थी तो इन्हीं लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के एक्टिविज्म किया था। तो ऐसे लोगों को, ब्लैक्स को, हिस्पैनिक्स को, एशियन, चाइनीज, वियतनाम, कोरिया, उस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा बुलाया था। नंबर 8,
11th मार्च को जब ये फिल्म को रिलीज किया गया था तो पहले फिल्म को सिर्फ 700 स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया गया। बट सीइंग द अमेजिंग रिस्पांस ऑफ द ऑडियंस, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए हैं। फिल्म ने अभी तक मोर देन 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ का बेंचमार्क भी क्रॉस कर लेगी। द कश्मीर फाइल्स के इस मैसिव सक्सेस को देखकर 2019 में रिलीज हुई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक माइंड में आती है। No one had expected Uri to become such a blockbuster film. Lekin Uri ne sabko surprise kara and it went on to break all the records. Smartos, Indian Army ne ye jang shuru nahi ki thi, but we will bloody hell finish it. Yes sir. How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. Jai Hind. Jai Hind. Usi tarah distributors are saying ki film might even cross the mark of 200 crores. नंबर 9, द कश्मीर फाइल्स की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को देखकर फिल्म को कई स्टेट्स में टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। इनमें से ही कुछ स्टेट्स हैं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। वेल, दिस इज अ गुड साइन फॉर द फिल्म क्योंकि टैक्स फ्री होने की वजह से फिल्म को अब ज्यादा ऑडियंस देख पाएगी। इस तरह इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी फिल्म को ऑनर किया जहां ही मेट द मेकर्स ऑफ द फिल्म। नंबर 10, After making the Tashkent Files and the Kashmir Files, director Vivek Agnihotri has decided कि वो अब इसका third part भी बनाएंगे, which is titled The Delhi Files. उन्होंने फिल्म की research और scripting already शुरू कर दी है and it is expected कि वो जल्द ही फिल्म को shoot करना भी शुरू कर देंगे। Delhi Files में बहुत थोड़ा यानी एक 70 साल में हमने क्या किया है इस देश के साथ, थोड़ा उसके डेमोक्रेसी और इन सब चीजों को लेकर उसके बारे में है। वो भी बहुत इंटेंस फिल्म है, मतलब उससे भी ज्यादा इंटेंस फिल्म है। तो उसमें उसका रिसर्च चालू हो गया है या उसका हमने चालू किया था लॉकडाउन के करीब 2-3 महीने पहले। okay. तो मतलब जनवरी के आसपास 2019। ओके, आप हमें बताइए कि आप द दिल्ली फाइल्स के लिए कितना एक्साइटेड हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।